नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे, जी हाँ साथियों, वीआई से रिलेटेड या फिर आप एयरपोर्ट से रिलेटेड या जो एहतियात कर्मचारी वगैरह होते हैं जो भी एयरलाइंस के, उससे रिलेटेड बात करेंगे कि गोल्ड का स्मगलिंग करने के तरीके। जी हाँ साथियों, जितना कस्टम कोशिश करता है उनके पीछे पीछे भागने की, नए नए वो पेंतरे अपनाते हैं, लेकिन फिर पकड़े जाते हैं, फिर नए नए पेंतरे अपना लेते हैं। लेकिन ये जो पेंतरा है ना, ये बड़ा अलग है, इसमें बंदा पकड़ में नहीं आता। कैसे है, क्या है, डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज वाले भी पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज दुबई से रिलेटेड सेम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। इंडियन राजधानी दिल्ली, जी हाँ साथियों, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की हम बात करेंगे। एक बंदा थोड़ा सा ऐसे घबराया हुआ सा चल रहा था, कस्टम विभाग ने उनको रोक लिया। रोका तो उनकी तलाशी ली, उसके पास कुछ भी नहीं मिला। फिर उस पुलिस को, कस्टम विभाग को लगा कि यार कुछ गड़बड़ है, तो उसको सख्ताई से पूछा। फिर वो क्या करते हैं, साइड में आ जा भाई, कमरे में ले जाते हैं। फिर आप अलग तरीके से, दूसरे तरीके से पूछते हैं जो सबको दिखता नहीं है। फिर कड़ाई से पूछताछ की तो बंदा टूट जाता है, टूटता भी जल्दी है क्योंकि उसको पता है पकड़ेंगे। तो उसने बोला कि सोना लाया था, 1200 ग्राम से ऊपर था, लेकिन वो पेस्ट बना के लाया था, एक पैकेट में डाल के वो मैंने प्लेन के जो शौचालय है उसमें छुपा दिया। जी हाँ साथियों, फिर कस्टम विभाग के भागे भागे दौड़े दौड़े गए वहां पे एयरपोर्ट, वो फ्लाइट के अंदर देखा, शौचालय में देखा तो मिला नहीं। फिर कस्टम विभाग आपके सभी लोगों को सूचित कर देता है, फिर सबकी नजरें हो जाती है कौन है। तो उनको एक बंदा संदिग्ध अवस्था में, दूसरा ही बंदा एक पैकेट हाथ में लिए हुए एयरपोर्ट के बाहर की तरफ चलता दिख रहा था। जी हाँ, उसको रोक के पकड़ा तो देखा तो उसके पास 2 सोने के बिस्कुट निकले। जी हाँ साथियों, पेस्ट साइज के बने हुए थे, पेस्ट जिसको बोल सकते हैं, एक लंबा सा बना देते हैं पेस्ट साइज का। उसमें उसको पड़ गया, तो उसका फिर पता लग गया कि उसको कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बता दिया। वो क्या करता था कि दुबई से गोल्ड लेके आता, वहां छुपा देता। उसमें एहतियात में कर्मचारी होते हैं, आपको बताया, जो वहां के एयर होस्टेज अलग होते हैं और भी बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। वो फिर बंदा बंदा जो गोल्ड स्मगलर है वो आराम से बाहर निकल जाता है एयरपोर्ट के, एकदम फ्री होके, कोई दिक्कत नहीं थी। अंदर जो कर्मचारी है वो प्लेन के अंदर जाके, वहां से जो प्लेन रुकने के बाद उसकी, आपको पता है, साफ सफाई होती है प्लेन की, पूरी साफ सफाई होती है, उसको रिलैक्स होता है, टाइम मिलता है 2-3-4 घंटे का। उस दौरान वो पैकेट लेके जेब में डाल के, और वो तो अंदर का कर्मचारी है भाई, उसकी तो जांच नहीं होती है, तो वो लेके फिर एयरपोर्ट के बाहर निकल के उसको सप्लाई कर देता। जितना उनका कमीशन होता वो आधा आधे बांट लेते। काफी टाइम से खेल उनका चल रहा था, लेकिन अब की बार वो पकड़े गए। जी हाँ साथियों, अब आप सोचिए जी, ये तरीका कोई आदमी सोच सकता है, कौन ऐसा सोचेगा कि यार इस तरह से भी कोई गेम चल रहा है, बताओ। फिर उनको पकड़ लिया। अब देखो जी, उनके ऊपर मुकदमा लगना है, उनकी जांच होनी है, ठीक है, आरोप भी जेल भी होनी है ऐसा, और उसकी नौकरी जाएगी, और नौकरी पे भी उसको ऐसा उसका ट्रीटमेंट कर देंगे कि उसको लाइफ टाइम में एयरपोर्ट के अंदर इंडिया में कहीं पर भी जॉब नहीं मिलेगा। क्योंकि जो लोग अंदर रह के इस तरह के काम करते हैं उनको जॉब तो मिलने का भाई सवाल पैदा ही नहीं होता। तो इस तरह से भी लोग ऐसा काम भी करते हैं, तस्करी के नए नए फार्मूले ढूंढते रहते हैं, और लालच इतना खराब होता है कि एक बंदे को एयरपोर्ट पे 40,000 मिल रहे हैं। नहीं जी, इतने से क्या होता है, इतने तो मेरा खर्चा हो जाता है, मुझे तो ₹1,00,000 चाहिए। वो लाख हो सकता है 2-4-5 महीने ले ले, लेकिन फिर परमानेंट घर पे बैठ गया, 1 साल 2 साल 4 साल बैठा रहेगा, तो फिर वो क्या क्या होगा इन चीजों। बस यही आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।